हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि रियलमी C11 फ़ोन में आप लोग स्टोरेज को कैसे इनक्रीस कर सकते हो। अगर आपके पास एक रियलमी C11 फ़ोन है और उस फ़ोन में जो है आप लोगों को स्टोरेज को इनक्रीस करना है, तो कैसे आप लोग अपने फ़ोन में स्टोरेज को इनक्रीस करोगे गाइस, तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊँगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरेज को इनक्रीस करने के लिए सबसे पहले जो है आप लोग अपने फ़ोन में मेमोरी का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में मेमोरी लगाने का जगह है, यहाँ पर आपके फ़ोन में जो है जगह दिया गया है मेमोरी लगाने के लिए यहाँ पर सिम ट्रे में, तो आप लोग अपने फ़ोन में एक्सटर्नल मेमोरी को यूज़ कर सकते हो। मेमोरी यूज़ करने से भी आपका जो स्टोरेज है वो इनक्रीज हो जाएगा। तो जितना जी भी आप लोग मेमोरी लगाओगे उतना जी भी स्टोरेज आपके फ़ोन में इनक्रीज हो जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते होगा स्टोरेज को इनक्रीज करने के लिए, तो उसके बाद जो है आप लोगों को अपने फ़ोन में गैलरी या फ़ोटोज़ या एल्बम्स जो जिसमें भी आप लोग फ़ोटोज़ वीडियोज़ देखते हो आप लोगों को उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अगर आप लोगों ने यहाँ पर से कुछ भी फ़ोटोज़ वीडियोज़ या मूवीज़ वगैरह को डिलीट किया था, तो वो जो है आप लोगों को डिलीट नहीं होगा आपके फ़ोन में, ठीक है। इस क्योंकि यहाँ पर एक ट्रस्ट का ऑप्शन होता है, तो वो सब जो है ट्रस्ट के ऑप्शन में जमा हो जाता है, तो आपका स्टोरेज जो है वो इंक्रीज नहीं हो पाता है। तो आप लोगों को जो ट्रस्ट के ऑप्शन में से उसको परमानेंटली डिलीट करना होगा, तभी जो है आप लोगों का स्टोरेज इंक्रीज होगा। तो ट्रस्ट के ऑप्शन में से डिलीट करने के लिए यहाँ पर गैलरी में देख सकते ऊपर की तरफ एक 3 डॉट ऑप्शन है, तो इस 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख सकते ट्रस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप लोगों को डिलीट किए हुए फ़ोटोज़ वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर से आप लोग उन सबको सिलेक्ट करके परमानेंटली डिलीट कर सकते हो। डिलीट करते ही आपका जो स्टोरेज है वो इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद अगर आप लोग फाइल मैनेजर यूज़ करते हो तो फाइल मैनेजर को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर से भी अगर आप लोगों ने किसी एप्लीकेशन को ऑडियो वीडियो इमेजेस को डिलीट किया था, तो यहाँ पर भी एक ट्रस्ट का फाइल होता है गाइस, तो ट्रस्ट के फाइल में से उन सबको फिर से डिलीट परमानेंटली डिलीट करना है। तो उसके लिए आप लोगों को इस 3 लाइन ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्रस्ट का ऑप्शन है, तो ट्रस्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर से भी आप लोगों को डिलीट करना होगा परमानेंटली जो भी आप लोगों ने पहले डिलीट किया था, ठीक है। तो फिर से डिलीट कर लीजिए परमानेंटली डिलीट और आपका जो स्टोरेज है वो इनक्रीज हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है गाइस, उसके बाद यहाँ पर से आप लोगों को सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद एक ऐप्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस ऐप्स के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक सी ऑल ऐप्स का ऑप्शन होगा, सी ऑल ऐप्स पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आपके फ़ोन में जितने भी एप्लीकेशन होंगे सब शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर से आप लोगों को किसी किसी एप्लीकेशन का क्लियर डाटा कर देना है, ठीक है गाइस, क्योंकि यहाँ पर बहुत दिन अगर आप लोग किसी एप्लीकेशन को यूज़ करोगे तो वो एप्लीकेशन जो आपके फ़ोन से बहुत ज़्यादा स्टोरेज लेके रख देगा। तो आप लोग चेक कर सकते हो गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर स्टोरेज दिखा रहा है कौन सा एप्लीकेशन कितना स्टोरेज लिया है। तो यहाँ पर से आप लोग जो भी एप्लीकेशन ज़्यादा यूज़ नहीं करते हो आप लोगों को उस एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक स्टोरेज एंड कैची का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करना है। क्लियर स्टोरेज के ऑप्शन पर क्लिक करना है और ओके पे क्लिक कर देना है। ऐसा करते ही गाइस उस एप्लीकेशन का जो भी डाटा है कैची ये सब यहाँ पर डिलीट हो जाएगा और आपका जो स्टोरेज है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे करके आप लोग किसी किसी एप्लीकेशन का क्लियर डाटा कर दीजिए। उसके बाद आप लोग और क्या कर सकते हो गाइस, उसके बाद यहाँ पर से आप लोगों को यूट्यूब को ओपन कर लेना है। यूट्यूब को ओपन करने के बाद एकदम नीचे देख सकते हैं राइट साइड में एक लाइब्रेरी का ऑप्शन होगा, तो इस लाइब्रेरी के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक डाउनलोड्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस डाउनलोड्स के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप लोगों ने यूट्यूब में से फ़ोटोज़ तो नहीं मिलता है गाइस यूट्यूब में, अगर आप लोग वीडियोस या मूवीज़ वगैरह को डाउनलोड किया था तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो जब आप लोग यहाँ पर से उन सबको डिलीट कर दोगे आपका जो स्टोरेज है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं भी किया है तब भी आप लोग इस ऑप्शन को ज़रूर से चेक करिए गाइस, क्योंकि आप डाउनलोड नहीं करने से भी ऑटोमेटिकली यूट्यूब से कभी कभी वीडियोस डाउनलोड हो जाते हैं। तो चेक करिए, अगर कुछ वीडियोस है तो उन सबको डिलीट कर दीजिए, आपका जो स्टोरेज है वो इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद आप लोग और क्या कर सकते हो गाइस, उसके बाद अपने गैलरी के फ़ोटोज़ को फ़ोटोज़ वीडियोज किसी भी एप्लीकेशन या डॉक्यूमेंट्स को आप लोग गूगल ड्राइव में सेव कर सकते हो। अगर आपके फ़ोन में गूगल ड्राइव
है, तो इसमें जो है आप लोग अपने फ़ोटोज़ वीडियोस को सेव कर सकते हो गाइस, क्योंकि गूगल ड्राइव में आप लोगों को 15 GB तक का जो है यहाँ पर स्टोरेज मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर 15 GB का स्टोरेज यहाँ पर मिल जाएगा, 15 GB आप लोग यहाँ पर स्टोर कर सकते हो गूगल ड्राइव में। तो 15 GB जो है आपके फ़ोन में यहाँ पर इनक्रीस हो जाएगा। अगर आप लोगों को गूगल ड्राइव में जो है फ़ोटोज़ वीडियोस को जो है सेव करना नहीं आता है गाइस, तो मैंने पहले ही वीडियो बना के दे रखा है, आप लोग मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने रियलमी C11 फ़ोन में स्टोरेज को इनक्रीस कर सकते हो। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।